एवरीवन, दिस इज साक्षी राजपूत। वेलकम टू बीएसपी फार्मेसी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप बी फार्म लेटरल एंट्री लेना चाहते हैं, डी फार्म के बाद बी फार्म करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या आपको सीयूईटी एग्जाम देना पड़ेगा या फिर आपको यूपी सेट देना होगा, दोनों में क्या डिफरेंस है, सारी चीजें आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सीयूईटी जो एग्जाम है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, ये सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए क्या कर दिया गया है, कंपल्सरी कर दिया गया है। जो भी 42 न्यू यूनिवर्सिटीज सेंट्रल यूनिवर्सिटीज इस टेस्ट के अंदर शामिल हुई है, उनके लिए कंपलसरी है। अगर आप उन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो सीयूईटी के थ्रू ही आपको लेना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज हैं, शायद अभी 14 यूनिवर्सिटीज उसमें ऐड हो गई हैं, तो उन स्टेट गवर्नमेंट की जो यूनिवर्सिटीज हैं वो सीयूईटी के अंदर शो हो रही है, और उनके प्रोग्राम्स पर अगर आप क्लिक करते हैं तो उन प्रोग्राम्स में आपको जैसे बी फार्म अगर दिखाई दे रहा है, बी फार्म में भी नीचे अगर आप स्क्रॉल करके सबसे नीचे जाते हैं तो वहां पे लेटरल एंट्री भी दिखाई देता है। बी फार्म के लिए लेटरल एंट्री मींस ये कंफर्म हो गया कि सीयूईटी एग्जाम आपका बी फार्मेसी के लिए उस स्टेट गवर्नमेंट की जो यूनिवर्सिटी है, एग्जाम्पल हम AKTU का ले लेते हैं। अगर AKTU में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो AKTU में जैसे ही आपने क्लिक किया, उसके प्रोग्राम्स पे क्लिक किया, तो उसमें बी फार्म लेटरल एंट्री आ रहा है, मतलब सीयूईटी उसके लिए क्या है, कंफर्म है कि आप सीयूईटी एग्जाम दे के भी लेटरल एंट्री ले सकते हैं बी फार्म में, किसी भी AKTU यूनिवर्सिटी के कॉलेज में जो कि एफिलेट हो किससे, AKTU यूनिवर्सिटी से। तो ये क्लियर हो गया। अब मैं बात कर लेती हूँ कि यूपी सेट, क्या यूपी सेट होगा, क्या सीयूईटी के अंदर जो यूनिवर्सिटीज आ गई हैं वो यूपी सेट नहीं करवा सकती हैं, ये सारी जो बड़ी कंफ्यूजन है ये आज के इस वीडियो में आपकी क्लियर हो जाएगी। तो मैं बता दूं आपको, यूपी सेट और दूसरा सीयूईटी दोनों ही एग्जाम अपनी जगह अलग हैं। सीयूईटी जो एग्जाम है इसके अंदर जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है वो तो कंफर्म हो गया कि उन्हें वो लेना ही लेना है। बात कर लेते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज उसके अंदर शो हो रही हैं, तो क्या वो यूनिवर्सिटीज जैसे AKTU का ही एग्जांपल ले लेते हैं, क्या वो यूपी सेट भी करवाएगी? तो हाँ, यूपी सेट का जो नोटिफिकेशन आएगा वो भी AKTU यूनिवर्सिटी के लिए रहेगा, क्योंकि जो सीयूईटी का स्कोर कार्ड होगा वो आपको एडमिशन दिलवा सकता है किसमें, AKTU यूनिवर्सिटी में। लेकिन जो यूपी सेट होगा, अगर उसका वो भी आप एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं, चॉइस आपकी है कि यूपी सेट जो होगा उसमें आपके पास ऑप्शन नहीं होगा कि आप यूनिवर्सिटीज सेलेक्ट कर सके। उसमें आपको किसी एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी, अगर AKTU यूनिवर्सिटी के लिए देना है तो उसमें आपको कॉलेजेस सेलेक्ट करने का मौका मिलता है, लेकिन यहाँ पे जो आपका सीयूईटी एग्जाम है यहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने का मौका मिल रहा है। अगर आपका यूनिवर्सिटी किसी भी यूनिवर्सिटी में आ जाता है, नंबर काउंसलिंग के टाइम आप अपने कॉलेजेस सेलेक्ट कर सकते हैं और उस टाइम आपको क्या हो जाएगा, कॉलेज अलॉट कर दिया जाएगा। तो ये दोनों में डिफरेंस है, कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। आपकी मर्जी है कि आप सीयूईटी के अकॉर्डिंग देना चाहते हैं बी फार्म में एडमिशन लेना चाहते हैं, या आप यूपी सेट के अकॉर्डिंग बी फार्म में एडमिशन लेना चाहते हैं, दोनों ही ऑप्शन आपके पास है। और सबसे अच्छा ऑप्शन यही है कि आप सीयूईटी एग्जाम ही कंडक्ट करें, इसी में बैठे, यही एंट्रेंस एग्जाम दे। इसमें आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस है, आप इसमें यूनिवर्सिटीज जो टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं। एंट्रेंस एग्जाम एक ही होगा हर एक यूनिवर्सिटी का, जो भी आप सिलेक्ट करेंगे एंट्रेंस एग्जाम सबका एक ही होना है इसमें, इसीलिए ये नेशनल लेवल का है। तो अब देखिए NTA इसे कंडक्ट करवा रहा है, तो होप्स बहुत अच्छा ही होने वाला है आपके लिए। अगर आप यूपी सेट के अकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो वो हो जाता है स्टेट लेवल पे, उसके लिए आप एक यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करेंगे, उसके कॉलेजेस सिलेक्ट करेंगे, उसके हिसाब से आपको एडमिशन मिल जाएगा। तो होप्स आपको दोनों चीजें क्लियर हो गई। लेटरल एंट्री के लिए भी कंप्लीट वीडियो, किस तरीके से एडमिशन ले सकते हैं, कहाँ चेक कर सकते हैं कि सीयूईटी के अंदर कितनी यूनिवर्सिटीज लेटरल एंट्री के बी फार्म में लेटरल एंट्री दे रही है, सब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। आई बटन पे क्लिक कीजिए और वीडियो पूरा देख लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। उससे पहले अगर वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज अपने फ्रेंड्स तक शेयर कीजिएगा, शायद उनका कुछ फायदा हो जाए और वो लोग ना चुके सीयूईटी एग्जाम में बैठने से। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, शायद उनकी भी कोई कंफ्यूजन हमारे इस वीडियो से दूर हो जाए। तो जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा, और साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।